फ्रेंड, जब से योनो SBI ऐप में सिम बाइंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर आज तक हर डे हमें नया नया एरर देखने को मिल रहा है और हर एक एरर का सलूशन इस चैनल पे मैं अपलोड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये जो एरर है, इस एरर का सलूशन क्या है, हमेशा हमें पता भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज एक एरर के बारे में हम बात करेंगे जो कि योनो SBI ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको दिख सकता है। अगर इस तरह का एरर आपको दिखे तो आप क्या करेंगे, इसका सलूशन इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या एरर है और ये जो एरर है इसको आप कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, ये चैनल स्पेशली स्टेट बैंक के कस्टमर के लिए है। अगर आप स्टेट बैंक का एक वैल्यूएबल कस्टमर है और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारा डिटेल। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन में एक एरर दिख रहा होगा। आप जब कभी भी योनो SBI में रजिस्टर करने जा रहा है तो आपको शायद इस तरह का एक एरर दिख रहा है, लेकिन आपको खुद को नहीं पता है कि ये एरर आपको क्यों दिख रहा है। तो अभी हम बताएंगे ये एरर आपको क्यों दिख रहा है और आपको करना क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले जो रीज़न है इसका हम इसको बताएंगे और फिर उसका सोल्यूशन क्या है बताएंगे। देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि योनो रजिस्ट्रेशन इज अलाउड फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स ओनली, प्लीज़ चेक द टाइप कस्टमर टाइप ऑफ द अकाउंट एंटर्ड बाई यू, फॉर फर्दर क्लारिफिकेशन विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच। यानी आपका जो अकाउंट नंबर आप डाले हैं वो अकाउंट नंबर आपका कस्टमर जो टाइप है वो ठीक नहीं है योनो SBI में रजिस्टर करने के लिए। इसका रीज़न क्या है, देखिए इसका 5 रीजन्स हो सकता है और एक एक करके हम पूरा डिटेल के साथ आपको 5 रीज़न के बारे में बताएंगे और उसका सोल्यूशन क्या है आपको बताएंगे। देखिए, पहला रीज़न है स्टेट बैंक में स्पेशली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट खोले जाता है। एक है इंडिविजुअल कस्टमर के लिए जो कि आपका खुद का नाम पे है, आपका सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, आपका नाम पे, ये कोई इंडिविजुअल का नाम पे होगा, यानी ये एक इंडिविजुअल अकाउंट हुआ। और जो भी अकाउंट आपका आपके नाम पे नहीं है, हो सकता है आपका शॉप के नाम पे है, आपका बिजनेस है उसके नाम पे है, जैसे कि आपका अगर कोई शॉपिंग मॉल है उसका नाम पे एक अकाउंट होता है तो वो नॉन इंडिविजुअल अकाउंट होता है। अगर इस तरह का अकाउंट नंबर आप योनो SBI ऐप में डालेंगे तो आपको इस तरह का मैसेज मिल सकता है। तो इसके लिए आपको योनो SBI ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, आपको योनो बिजनेस ऐप में रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अगर आपका योनो बिजनेस ऐप नहीं है तो योनो बिजनेस ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका कस्टमर टाइप है ये नॉन इंडिविजुअल कस्टमर है, आपको योनो SBI ऐप में लॉगिन नहीं होगा। फ्रेंड्स, तो ये पहला रीज़न था। और सेकंड रीज़न हो सकता है कि योनो SBI ऐप में रजिस्टर करने के लिए आपका एज 18 ईयर्स से एवर होना चाहिए। यानी आपको अगर एज 18 ईयर्स से कम है या आप माइनर है तो आपको योनो SBI ऐप में रजिस्टर नहीं करने दिया जाएगा। ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आपको इस तरह का अगर एरर दिख रहा है तो आपका एज जो है उसको एक बार देख लीजिए ठीक से कि आपका एज 18 ईयर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप इस ऐप में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड रीज़न था। अभी हम थर्ड रीज़न के बारे में बताएंगे। थर्ड रीज़न है फ्रेंड्स, जो आपका अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट जो टाइनी अकाउंट होता है या लिबरलाइज्ड अकाउंट होता है, जो CSP में खोला जाता है, शाखा में खोला जाता है, छोटा जो ब्रांचेस होता है SBI का, जिसको CSP बोला जाता है, उस CSP में अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आपका अकाउंट में आप योनो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। ये एक रीज़न है। आपका अकाउंट को आप कस्टमर टाइप को चेंज करके नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप योनो SBI ऐप में रजिस्टर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था थर्ड रीज़न। अभी हम फोर्थ रीज़न के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, फोर्थ रीज़न ये है, अगर आपके अकाउंट में KYC डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ नहीं है तो आप योनो SBI ऐप में रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको आपका होम ब्रांच में विजिट करना होगा, आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और आपका पासपोर्ट साइज का एक फोटोग्राफ लेके ब्रांच में विजिट करना होगा और इस सारा डिटेल आपको ब्रांच में सबमिट करना होगा KYC फॉर्म को लेकर। अगर एक बार आपका KYC सबमिट हो जाए तो उसके बाद आप बड़ी आसानी से योनो ऐप में रजिस्टर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपका KYC नहीं है तो आप होम ब्रांच में जरूर एक बार विजिट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ये फोर्थ रीजन था। अभी हम फिफ्थ रीजन के बारे में बताएंगे। फिफ्थ रीजन ये है, अगर आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है, आपका अकाउंट डोरमेंट है यानी इनएक्टिव है, तो आप योनो SBI ऐप में लॉगिन या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर ऐसा है, आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है, आप बहुत दिन हो गए आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, विड्रॉल नहीं हुआ है, डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको होम ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा आपका KYC डॉक्यूमेंट के साथ। आपका KYC डॉक्यूमेंट ब्रांच में विजिट कीजिए, सबमिट कीजिए, सबमिट करने के बाद आपका जो अकाउंट है उसमें कुछ फंड डिपॉजिट कीजिए, उसके बाद एक विड्रॉल कीजिए, विड्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा दोबारा और उसके बाद आप योनो SBI ऐप में रजिस्टर कर पाएंगे।
तो फ्रेंड्स मैं आपको सारा डिटेल बताया, पांचों जो रीजन था, ये पांचों रीजन के वजह से आपका इस तरह का एरर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप इस पांचों चीजों को चेक कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आपका योनो SBI ऐप में रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो, इस वीडियो में सारा डिटेल में कवर कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपका फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।